यह खबर श्रद्धांजलि है। शहीद सब इंस्पेक्टर मूलचंद कंवर के जन्म दिवस पर उनके परिजन उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उनकी नन्ही बिटिया ने पिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनकी प्रतिमा को दुलार किया। यह दृश्य किसी को भी गमगीन कर सकते हैं। शहीद अमर हो जाते हैं, उनके पीछे उनकी वीरता के किस्से रह जाते हैं। ऐसे में शहीद के बच्चे उन्हें मूर्तियों और फोटो के जरिए महसूस करते हैं। यह प्रतिमा शहीद सब इंस्पेक्टर मूलचंद कंवर की है। 24 जनवरी 2018 को ओरछा में नक्सलियों को खदेड़ने के दौरान इन्हें गोली लगी और मूलचंद शहीद हो गए। कोरबा में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। शहीद मूलचंद के जन्मदिवस के मौके पर उन्हें उनके परिजन श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उनकी बेटी नन्ही परी को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। इस बच्ची ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। जब इसके पिता मूलचंद कंवर शहीद हुए तब यह माँ के गर्भ में थी। जन्म हुआ तो पिता का साया नहीं था। शहीद पिता के जन्मदिन पर माँ और परिजनों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि और माल्यार्पण करने यह पहुंची और पिता की प्रतिमा को दुलार करने लगी। इस बच्ची ने पिता को पुष्प भी अर्पित किए। जिसने भी इस दृश्य को देखा उसकी आंखें नम हो गई। इसको ये पकड़ो और खिलाओ। लो चलो ये खिला दो, खिला दो, खिला दो। अरे वाह। शहीद सब इंस्पेक्टर मूलचंद कंवर कोरबा जिले के घाना डबरी के निवासी थे। गणित में स्नातक की उपाधि लेकर पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। पहली पोस्टिंग नक्सल इलाके नारायणपुर में हुई। कई मौकों पर इन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और नक्सलियों को धूल चटाई। लेकिन 24 जनवरी 2018 को ओरछा क्षेत्र में नक्सलियों से एक मुठभेड़ के दौरान नक्सलवादियों को खदेड़ने के दौरान इन्हें गोली लगी और मूलचंद शहीद हो गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।